दोस्त कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करते हो कि सब लोग बढ़िया होंगे। आ गए आपका भाई एक नए वीडियो के साथ, सुपर जब फिर से खेलने जा रहा है आर्क मोबाइल सर्वाइवल रिपोर्ट। सो गाइस, आज हम लोग किसी भी डायनो को टेम नहीं करेंगे। आज हम लोग जाएंगे एक केव के अंदर। तो दो तीन वीडियो पहले मैंने एक डेयर को टेम किया था, पता है आप लोगों को। तो मैंने बताया था कि डेयर लेकर के केब के अंदर जाओगे तो केब कंप्लीट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलो आज चलते हैं, यहाँ पर जितनी भी केब है उससे जो केब सबसे इजी है उसी में जाएंगे, और उसका नाम है हंटर केब। चलो चलते हैं, हंटर केब को आज कंप्लीट करके आते हैं। मैं आप लोगों को हंटर केब का जो रूट मैप है वो बिल्कुल क्लियर तरीके से दिखा दूँगा, स्क्रीन भर भी दिखा दूँगा, तो आप लोग देख लेना। चलो चलते हैं और हंटर केब को कंप्लीट करके आते हैं। उसके लिए बस ज़्यादा कुछ नहीं, और क्या कहते हैं इसको, आप लोगों के पास राइफ़ल है तो राइफ़ल ले लेना और शॉट ले लेना, और कुछ नहीं अर्जेंट भाई से डेयर को उठा लो, उसके उठा के उसके साथ चलो। तो चलो चलते हैं, मेरे पास सब कुछ तैयार है और यहाँ पर डेयर है और पास में अर्जेंट फेस भी है। चलो चलते हैं, लोकेशन पे जाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। सो गाइस, ये देखो हम लोग किस जगह पर आ गए हैं। तो गाइस, यहाँ पर ना एक छोटा सा दिक्कत है कि यहाँ पर बहुत सारा रैप्टर है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है अर्जेंट में इसको रखने के लिए। इसीलिए मैंने इस जगह पर एक छोटा सा स्टैंड बनाया है, देख लो ये है सामने की तरफ। इसका नीचे का जो पिलर है ये स्टोन का है, और ऊपर का जो फ्लोर है वो वुड का है। आप लोग किसी भी तरह से इसको बना सकते हो, नहीं तो किसी भी ऐसे कोई जगह ढूंढ लो जहाँ पर रैप्टर आपकी अर्जेंट में इसको दिक्कत नहीं देगा, और उसके बाद कोई बात नहीं, आप लोग बना सकते हो नहीं बना सकते वो आपकी मर्जी है। मैं तो बना लिया क्योंकि आसान होता है मेरे को। तो चलो नीचे की तरफ चलते हैं ये डीआरयू को ले करके, और कंप्लीट करते हैं आज की मिशन हंटर केव। उसके पहले मैं इसके अंदर जितनी भी सारे चीज़ें हैं सब कुछ नीचे गिरा देता हूँ। सो गाइस, मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, मतलब कि मेरे को जुकाम हुआ है थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, इसीलिए आप लोगों को मेरा साउंड थोड़ा सा अलग सुनाई देगा, कोई बात नहीं। तो चलो नीचे की तरफ चलते हैं और हंटर केप को कंप्लीट करके आते हैं। ये देखो, ये लो गाइस, मैं नीचे उतरा नहीं, ये आ गया, मर गया। तो खैर छोड़ो, मैं आप लोगों को इससे अगर लोकेशन दिखा देता हूँ मैप के, तो रुक जाओ मैप को ओपन करते हैं। देखो इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, ये लो ये है मैप का लोकेशन, इस जगह पर आप लोग को आना है, और यहीं पर एक गेट है नीचे की तरफ। चलो मैं गेट आप लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चलो नीचे की तरफ चलते हैं। उसको चलते चलते मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि मेरा जो ये डेयरी वुल्फ है इसका मेल डैमेज बहुत ज़्यादा है, मैंने इसको अपग्रेड करके रखा है, बहुत ज़्यादा लेवल इसको अपग्रेड कर दिया है। तो आप लोग एक काम करना, जिस भी डेयरी वुल्फ लेकर के आओगे उसको अपग्रेड करते रहो, कट करके उसको जो मेल डैमेज है वो बढ़ा दो, क्योंकि इस जगह पर ना मेल डैमेज ही ज़्यादा कम में आता है, इसीलिए उसे बढ़ा देना। पीछे कोई आ रहा है क्या? शायद से मैंने देखा, हाँ हाँ, ये लो ये दोनों आ गया। अबे मरेगा बेटा मरेगा, ये ले मर गया ना, ये लो एक भाग गया डर के मरे। खैर छोड़ो, जो डर गया वो मर गया। खैर छोड़ो, हम लोग आ गए हैं केप के गेट के पास। ये लो ये इस ये केप का गेट है। अबे वो पीछे फिर से आ गया क्या, इधर गया नहीं, हाँ ये रहा ये रहा। अबे ये फिर से आ गया, एक को मार दिया उस टाइम डर गया था, फिर से आ गया। मजा चल निकल, खैर छोड़ो कोई बात नहीं। अब जो करना है हम लोगों को, मैं नीचे उतरता हूँ पहले, मीट पहले नीचे उतरता हूँ, और ये जो इसको है इसको अटैक टारगेट कर देता हूँ, क्योंकि मैं जब इससे उतरूँगा अगर कोई गलती से आ गया तो ये इसको मार पाएगा। और एक और चीज़, केप के अंदर जाने के पहले गेम को सेव कर लेना होगा, और इसका जो वीडियो क्वालिटी है वो हमेशा लो कर लेना, क्योंकि अगर आप लोगों का मोबाइल का जो क्या कहते हैं रैम 4GB या 6GB है तो शायद से आपका गेम लैग हो सकता है,
मतलब क्रैश भी हो सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है। और इस जगह पर घुसने से टाइम थोड़ा सा लैक होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, बाद में सही हो जाएगा थोड़ा सा। एक बार आप देखो, सीधे सीधे देखते जाओ, बस आप लोगों को कुछ नहीं करना। ये जो व्हाइट क्रिस्टल दिख रहे हो, बस इसी को फॉलो करते रहो, मतलब जिस तरफ व्हाइट क्रिस्टल है उस तरफ जाओ और आप बहुत ही आसानी से आर्टिफैक्ट के पास पहुंच जाओगे। तो चलो चलते हैं, आज की सवारी शुरू करते हैं यहीं से। आप लोग बहुत ही ध्यान से देखते रहो इस रूट को, बस ये आ गया व्हाइट क्रिस्टल, इस तरफ चलते हैं, आ गया वो बड़ा व्हाइट क्रिस्टल, उस तरफ चलेंगे। भाई इस तरफ से भी जा सकते हो क्योंकि ये एक ही रूट है, ऐसा कुछ नहीं, बस घुमा हुआ है थोड़ा सा। ये एक व्हाइट क्रिस्टल है और आप कहोगे इधर भी व्हाइट क्रिस्टल है, लेकिन भाई इधर कोई रास्ता है नहीं, इधर बंद है, तो इसीलिए कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो आगे की तरफ ये व्हाइट क्रिस्टल है, इधर से घूम रहा है रास्ता, तो इधर घूम जाओगे तो आगे की तरफ एक और व्हाइट क्रिस्टल मिलेगा। बस कुछ नहीं करना, आप लोगों को व्हाइट क्रिस्टल फॉलो करते रहना होगा। ये एक व्हाइट क्रिस्टल है, उसके बाद राइट, तो आगे चल करके अब यहाँ से ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से चारों तरफ रास्ता जा रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से ध्यान दो और देखो, यहाँ से राइट की तरफ भी एक रास्ता है, लेफ्ट की तरफ भी है। जो राइट की तरफ है उस तरफ जाओगे, और आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोग गलती से राइट की तरफ चले जाओगे, थोड़ा सा जाने के बाद ऐसा खुला हुआ मैदान नहीं मिलेगा तो वापस आ जाना, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ ही ग्रीन लाइट है। ठीक है, इसीलिए तो अगर गलती से राइट में चले जाओगे तो खुला हुआ इधर मैदान ऐसा जगह नहीं मिलेगा, तो आप लोग वापस से इस तरफ आ जाओगे। और यहाँ पर ये देखो डंग बटल बैठा है, इसको मार देते हैं डंग बटल को। और आगे की तरफ एक बिच्छू है, बिच्छू 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 किधर गया, ये रहा ये रहा, इसको ही मार देते हैं क्योंकि ये मारेगा नहीं। तो किधर गया बेटा, इधर आ जा इधर आ जा, तो मर गया। तो अब लोग उस तरफ, यहाँ पर आने के बाद दो तरफ है, इधर एक नीचे की तरफ जा रहा है और उस तरफ एक रास्ता है, लेकिन यहाँ पर दोनों रास्ता सेम ही है, एक ही जगह पर जाएगा। उस रास्ते से जाओगे, ऐसे आप लोगों को जंप नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा घूम करके एक काम करते हो, इस रास्ते से जाता हूँ, आने के टाइम उस रास्ते से आऊँगा। ठीक है, और पहले जो रास्ता देखा था उस रास्ते से आप जा सकते हो, तो उस रास्ते से आप लोग जाओगे तो डायरेक्ट DRL को लेकर के जा सकते हो, लेकिन इस रास्ते से आप लोग जाओगे तो आर्टिफैक्ट के पहुँचने से थोड़ा सा दूरी पर आप लोगों को DRL से उतर करके आपको खुद जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ये DRL घुस नहीं सकता। चलो आगे चल के दिखाता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ, यहाँ पर एक और डंग बटल है, ये इसको क्या करेंगे, वो उधर से जो घुमा हुआ रास्ता है ना, वो इधर से आता है घूम करके, ज़्यादा कुछ घुमा हुआ नहीं है, थोड़ा सा मतलब आपको जंप नहीं करना पड़ता है इसी, बस कुछ ऐसा कुछ नहीं। तो आप ये देखो, ये आगे की तरफ जो ये रास्ता है, ये थोड़ा सा छोटा है, छोटा सा गैप है, होल है, इसके अंदर DRL नहीं जा सकते, इसीलिए आप लोगों को उतरना पड़ेगा। और आगे की तरफ जो है उसको आप ही, आपको ही मारना पड़ेगा। कौन है आप भी गाइस, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ये क्या कहते हैं, ग्रीन कलर का एक जहर फेंकता है, ये देख रहे हो। एक काम करते हैं, उसको आने देते हैं, उसके बाद उसको राइफल से उड़ा देंगे, दोनों हैं, दो है, दोनों ही उड़ा देंगे। चलो मैं राइफल निकलता हूँ लिया, और वे तू आट जाना यार, क्यों दिक्कत देता है, ये ले एक हो गया, एक और बाकी है क्या, किधर गया किधर गया किधर गया, ये ले मर गया क्या मैं सही से। अरे ये क्या ग्लीच है भाई, एक काम करते हैं फिर से इसके ऊपर चढ़ते हैं, नहीं आ गया आ गया आ गया, फिर उतर के देखता हूँ क्या होता है। अबे ये क्या ऐसा ग्लीच है, ये देखो नहीं है, ये पूरे के पूरे बॉडी नहीं है, सिर्फ हेड और हाथ है। खैर छोड़ो कोई बात नहीं, ये मार तो गया ना कोई, लेकिन चांस नहीं लेंगे राइफल को लेकर के, नहीं मर गया मर गया, डेट दिखा रहा है इतना सोचने के। और हम गाइस आ गए हैं आर्टिफैक्ट के पास, ये क्या है, और भाई ये भी मर गए, ये मर गए, ज़्यादा कुछ नहीं, ये मर गए। तो आर्टिफैक्ट ले लेते हैं यहाँ से, ये देखो ये इसका हंटर कैप का आर्टिफैक्ट है। अब चलो यहाँ से आप लोगों को दिखाता हूँ मैं बाहर निकलने का रास्ता,
दूसरे रास्ते से जाएंगे, क्योंकि जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से आप जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा जंप करना पड़ेगा। लेकिन क्यों दिक्कत ले भाई, क्यों जंप करें, इधर से थोड़ा सा घूम करके जब हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये टाइटन हुआ है, इन सबको मारना पड़ेगा। एक और टाइटन हुआ था ना, हाँ ये रहा, चलो मार दिया। अभी ये रहा एक बिच्छू, इसको भी मार दिया। इसका जो मेरे पास जो डेयरवुल्फ है ना, इसका जो मेल डैमेज है बहुत हाई है, बहुत हाई है। मैंने इसको बहुत अपग्रेड किया है, 202 लेवल का ये डेयरवुल्फ है मेरे पास, और ये बहुत हाई है इसका मेल डैमेज, तो इसीलिए इतना आसान होता है हम लोग को मारना। तो आप लोग से अपग्रेड करके इसका मेल डैमेज बस बढ़ा लेना। और आपका अगर इसके अंदर आओगे ना, तो जो चीटिन है बहुत सारा चीटिन मिलेगा आपको, बहुत सारा चीटिन की कोई कमी नहीं रहने वाला आप लोग। तो गाइस मैं इन लोगों को मार लेता हूँ, और झुंड में रहता है ये लोग, एक रहता है सब लोग आते हैं। तो ये देखो आप लोग फॉलो करो, ये राइट की तरफ जो है एक ही रास्ता है, उस तरफ नहीं जाना, उधर पानी है, आप लोग गिर जाओगे। तो राइट की तरफ जो रास्ता दिख रहा है सीधा सीधा चलते रहो, एक ही रास्ता बस घुमा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन एक ही रास्ता है, भटकने की कोई जगह नहीं है। इन लोगों को पहले मार देता हूँ, नहीं तो दिक्कत देगा बाद में। मैं जहर मार रहा है पे, इसको क्या कहते हैं, स्पाइडर है। छोड़ो कोई बात नहीं, मेरे पास कितने सारे मीट हो गए देख रहे हो, चलने की भी जगह नहीं है। खैर छोड़ो कोई बात नहीं, ये कुछ मीट मैं गिरा देता हूँ, नहीं तो बहुत सारा वेट हो गया है, चल नहीं पा अच्छे तरीके से। तो मैंने मीट सब नहीं, मतलब बहुत सारा मीट तो मैंने गिरा दिया। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इस तरफ, ये देखो पानी पानी है, अगर आप लोग जंप करके तो ना, तो अगर वापस आ पाओगे या नहीं पाओगे मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैंने कब जंप करके ट्राई नहीं किया। करेंगे एक दिन इसको भी ट्राई करेंगे। तो ये देखो इस रास्ते पर हम लोग आ गए, जहाँ पर जहाँ ये सीधा जो रास्ता है वहाँ से हम लोग नीचे की तरफ गए थे। चलो इस तरफ से चलते बाहर निकलते हैं। अब गए जो सीधा जो रास्ता दिख रहा है ना, वहाँ से भी आप लोग जा सकते हो, लेकिन वहाँ से जाओगे तो मतलब टेरिप को लेकर के जा सकते हो। हम लोग ऊपर की तरफ आगे हैं, तो यहाँ पर सीधे नहीं जाना, उसके राइट जो गली था उसके अंदर आ जाओगे तो आप लोग ऊपर की तरफ चलते जाओगे। या बाहर जाने का रास्ता इतना कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कि जिस जहाँ पर देखोगे ऊपर की तरफ जा रहा है वहीं पर चले जाओ, हो जाएगा। और व्हाइट क्रिस्टल को फॉलो करोगे बस उसी जगह पर ना, जो तीन रास्ता है यहाँ पर आ करके बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, बस उसी जगह को दिमाग में अच्छे तरीके से घिस लेना, और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने पर। तो हम लोग आ गए हैं गेट के पास, यहाँ पर थोड़ा सा गेम लैग होगा। तो चलो हम लोग बाहर आ गए, अच्छे बाहर की तरफ अंदर है, टॉर्च को जला लिया। अब चलो बाहर की तरफ चलते हैं, 98 तो ऊपर है, तो चलो ऊपर की तरफ चलते हैं, और जो हमारे पास जो आर्टिफैक्ट है उसको ट्रिब्यूट करते हैं। चलो ऊपर की तरफ चलते हैं। तो गाइस शायद से मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, ये मैं देख रहा हूँ, हाँ ये रहा ये रहा। तो यहाँ से उतरते हैं और अर्जेंट अवेस को ले करके इसको मतलब डियरिल को उठा लेते हैं अर्जेंट अवेस के थ्रू, और उसके बाद इसको ले करके चलते हैं किसी भी ऑब्लिक पर। आप लोग ग्रीन ऑब्लिक है, रेड ऑब्लिक भी है, और ब्लू ब्लू है, तीन कलर का ऑब्लिक है, आप लोग किसी पर भी जा सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि ग्रीन पर जाऊँ, मैं ग्रीन पर जाता हूँ, तो चलो ग्रीन पर जाते हैं और देखता हूँ। मैंने वीडियो क्वालिटी मीडियम कर लिया है, हाई करना तो अच्छा होता है। चलो कोई बात नहीं, तो आप चलो ऊपर की तरफ चलते हैं और जन्म इसको लेकर के आते हैं, नीचे आ करके इसको डेयर को लेंगे, और उसके बाद इसको लेकर के जाएंगे ग्रीन ऑब्लिक के पास, और जा करके उसको ट्रिब्यूट करेंगे। और हाँ गाइस, जो रेड ऑब्लिक है, ब्लू ऑब्लिक है और ग्रीन ऑब्लिक है, तीनों ऑब्लिक पर अलग अलग है, मतलब आप लोग एक ऑब्लिक पर एक बार ही ट्रिब्यूट कर सकते हो एक ही आर्टिफैक्ट के थ्रू। तो आप लोग एक बार कर सकते हो तो एक बार ही करना, ठीक है। चलो चलते हैं गाइस। ये जो ऑब्लिक है यहाँ पर जो मिलेगा रेड ऑब्लिक पर वो नहीं मिलेगा, जो रेड ऑब्लिक पर मिलेगा वो ब्लू ऑब्लिक पर नहीं मिलेगा, मतलब सब कुछ अलग अलग है।
अलग अलग पब्लिक पर अलग अलग चीज़ें मिलते हैं। तो चलो नीचे की तरफ चलते हैं और इसको ट्रिब्यूट करके देखते हैं क्या क्या मिलता है। और जब तक मेरे को लगता है गाइस ज़्यादा कुछ खास नहीं मिलेगा, बस सब लोगों को थोड़ा सा आर्मर मिलेगा और एक पिकल मिलेगा शायद से, क्योंकि इस पब्लिक पर मैक्सिमम टाइम यही मिलता है, मैंने देख लिया है। आप लोग जो आर्टिफैक्ट है मतलब हंटर के कुछ आर्टिफैक्ट है आप लोग रेड पब्लिक पर ट्रिब्यूट कर सकते हो, इससे आप लोगों को एक क्या कहते हैं इसको स्मूदिंग बैम मिलेगा, एक स्मूदिंग बैम मिलेगा 10x वाला। ये देखो मैंने बोला था ना एक कैप मिला, एक उसको क्या कहते हैं हाथ में जो पकड़ते हैं, मैंने जो स्टील का पकड़ कर रखा है ना वुड का वही, और एक स्टोन का पिकल, मतलब स्टोन का नहीं सॉरी मेटल का पिकल। खैर चलो कोई बात नहीं। सो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन दिखता है उसको बजा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।